क्लैश ऑफ टाइटंस अब खत्म होना चाहिए, सीज फायर करें, सबक सीख लिया है, ये छोड़ते नहीं, हम हार नहीं मानते, बस बहुत हो गया। मुखालफीन अब हमारे लिए आसानियां पैदा करें, शफाफ इलेक्शन के लिए सबसे बात करने को तैयार हैं। प्रोफेसर गौहर की सियासी जमातों को सुलह सफाई की पेशकश, कहते हैं 800 से ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, किसी एक पार्टी को तन्हा करने से जमहूरियत को नुकसान होगा, 9 मई वाके पर आम माफी नहीं चाहता, सजा देनी भी है तो हमारे खदशात को मद्देनजर रखा जाए, माइनस बानी चेयरमैन पीटीआई किसी सूरत मुमकिन नहीं। नून लीग तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रही है, पीटीआई के कारकुन मेरा साथ दें, जुल्म और इंतकाम की सियासत दफन कर दूंगा। पानी पीटीआई को कहा था मुखालफिन को जेलों में डालना सियासत नहीं, बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में जलसे से खिताब, कहा पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं किया जा सकता, कोई एक बार तो कोई तीन बार वजीर आजम रहा, कभी शोबाज तो कभी वसीम अकरम प्लस को सूबे पर मुसल्लत किया जाता है, ये बाद में वादे भूल जाते हैं, पीपल्स पार्टी जो वादे करती है पूरे करती है, हम पर लाहौर में कम तादाद का तंज किया जाता है, लाहौर उनका नहीं मेरा है। और लाहौर मरियम नवाज की इंतखाबी मुहिम का आगाज, मॉल टाउन में तकरीब का इनेकाद, मरियम औरंगजेब ने हल्का एन ए 119 से उम्मीदवार मरियम नवाज की मुहिम का आगाज किया। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था मरियम नवाज शरीफ ने सियासी जंग जीती, अब इंतखाबी जंग भी जीतेंगी। मरियम नवाज शरीफ ने कौम की बेटी बनकर बदतरीन सियासी इंतकाम का मुकाबला किया, मरियम नवाज खातीन की तरक्की की जमानत बनेंगी।